जिवें पहले गल की जिक्र किया कि विचार सब अलग अलग हो सकते हैं पर रस्ता एक ही है, फिर तुहाडे की विचार उन्होंने अलग ने। हुण विचारां दा बखरेवा की आ, इह कोई बाली वड्डी है इस टाइम गल करनी बनती नहीं आ, क्योंकि साडा दुश्मन दिल्ली आ, दिल्ली नाल असीं लड़ रहे हैं। आपस च साडी विचारां दे बखरेवियां दे करके कोई दुश्मनी थोड़ी आ, वो तो आपस च बैठ के असीं हल कर लांगे, संवाद राही हल निकल आऊगा। और इतिहास च हमेशा ही लड़ाई जदों असीं लड़दे हां उदों वख वख मोर्चियां तों ही लड़दे हां। सरकार तां चाहूगी भी एक पासे एक जगह ते आ जाण, उहनूं खदेड़ना साडे लई सौखा हो जाए। जदों असीं वख वख मोर्चियां ते बैठे होवांगे उहनां लई भी सेंटर पॉइंट एक नहीं आ। फिर दो ही तरह चेंज आउंदी आ ना समाज च, या तां तुहाडा राजा बहुत चंगा आ जाए उत्तों वह चेंज आए तो थलों तक वह चेंज आ सकती है, जे राजा नहीं चंगा तो फिर लोग अंदोलन शुरू कर लेंगे। कि वाकई तुम खालिस्तान की कितने कोई गलबात कही है कि सोशल मीडिया तुहाडे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई गई है? असीं वह गड़बड़ नूं नहीं देखते, असीं जड़ ते नहीं जाते। असीं कह दिंदे अच्छा तुम खालिस्तान कहा जी ला दो ठप्पा जी करो पाओ ये ते UAPA, नहीं दैट्स अ रोंग प्रैक्टिस। असीं आपदे हक मंगते हाँ अच्छ तो हक मंगने गणा, मेरा हक ये है भी मैं आपदे हक मंग सकता, जे सरकार नूं लगता वह दे रही है तो गल कर ले आके। तुसीं पीसफुल बैठे हो, कल पुलिस आके डांगा मार दी फिर तुहाडा की रिएक्ट होगा? असीं तां आपदा जज्बा लैके आपदी दृढ़ता लैके बैठे हाँ, जे वह डांगा वराउणगे ये तो हुण स्टेट नूं पुछो क्यों वराउणगे, वराउणियां चाहीदियां भी कि नहीं। पंजाब नूं जे समझना होवे तो पंजाब नूं बाकी राज्यां तों वख रख के ही समझिया जा सकता, साडे अहसास साडी कौमियत वक्री आ। जदों तुसीं लोक भलाई दीआं गल्लां करनियां, जदों लोक हित दीआं गल्लां करनियां, फिर तुहाडी भाषा इह नहीं हुंदी, तुहाडी भाषा च सरलता तहजीब लियाकत इह सारा कुछ आ जांदा। किसान जथेबंदियां ने भी उहनां दा देखो ग्राउंड लैवल तक केडर बहुत वड्डा, इह सराहना करनी बणदी आ उहनां दी वी, उहनां ने इक लामबंद जिहड़े लामबंदी जिड्डी वड्डी कीती आ, वो किसान जथेबंदियां तो बिना नहीं हो सकती सी, उस केडर तो बिना नहीं हो सकती सी। भी इह कल्ली इकनोमिक फाइट नहीं है, साडियां इकोनमी तक सीमित नहीं आ, विचारधारक तौर पर भी साडे ते हमला होया। जिस तरह पंजाब धरती नाल जुड़िया होया, जिवें असीं जुड़े हाँ साडी धरती नाल, साडे अहसास जुड़े आ। दीप सिद्धू जो कि काफ़ी चर्चा दे विच ने, कल भी चर्चा होंदी दी है, चर्चा इस गल दी होंदी दी है कि दीप सिद्धू ने अलग धरना क्यों लगाया, जां दीप सिद्धू धरने विच हैगे ने तां उन्हां दे किसे ना कोई मतभेद ने, जां आपां कह लईए कि दीप सिद्धू दे किहड़े किहड़े विचारधारा दे उत्ते ओह अलग ने। दूसरे पासे किसानां ने भी गल कही है कि सारिआं नूं ही नाल लै के चलांगे, किसे दा कोई बाइकाट नहीं कीता गया, अलग अलग विचार हो सकते ने पर सब दा राह ही इक है। सन दीप सिद्धू ने, दीप सिद्धू पहले तो मैं गल जानना चाहना कि तुसीं सजैशन बॉक्स लगाए हुए ने, मैं देख रहा सी इत्थे तुहाडे पंडाल दे विच सजैशन बॉक्स ने, किन्ने सजैशन तुहानूं आए ने ते किहड़े किहड़े सजैशनां उत्ते तुसीं हुण चले हुए हो? देखो सजैशन साडे कोले जिहड़ियां संगत इह पंजाब दे वारसां दा मंच आ, मोर्चा जिहड़ा इह हर तरह के वर्ग नूं, हर तरह के असीं तुसीं इह कह लो भी वख वख विचारां नूं असीं एक मंच दिता जिथों आके तुसीं आपदे विचार रख सकते हो ते मंथन कर सकते हो। इस तरह सजैशन भी साडे कोले आउंदे आ संगत दे, उहनां नूं भी असीं पढ़दे हाँ, सजैसट किया जाता तो उहदे च जिहड़ियां चंगीआं सलाहां उहनां नूं मंनदे भी हाँ। सो एक बड़ा कह लो भी बड़ा वड्डा दायरा इस मोर्चे का, तो चाहते भी हाँ भी हर वर्ग इतने आके आपदी आपदी विचारधारा रखे तो वो साढ़े नाल गलबात करे, क्योंकि पंजाब नूं जे असी मुड़ सारी वाल लैके जाना तो सानू हर वर्ग नूं हर तरह के विचार नूं जगह देनी पवेगी, स्पेस देनी पवेगी, उहदा मान सम्मान भी करना पवेगा। तुहाडा मंच लग्या होया है हुण, मैं देख रहा इत्थे जाके हुण कोई ना कोई बोलने वास्ते आऊगा, तुसीं बोलोगे जां होर जथेबंदी नुमाइंदे बोलणगे, इस मंच उत्ते कोई भी बोल सकदा है, कोई गायककार, कोई भी पार्टी, कोई पोलिटिक्स पार्टी दा तुसीं कोई तालुक रखा भी, वह भी इत्थे आके बोल सकते हैं, जां सिर्फ किसान जां बाकी जिहड़े तुहाडे नाल जुड़े हुए नूं बोल सकते हैं? नहीं जी देखो इस मंच ते ओपन मंच आ, कोई भी बोल सकदा, पर पोलिटिकल पार्टीज़ दे एजेंडे लैके कोई लीडर आ रहे हैं वो नहीं बोल सकते, या उन्हां दे
फ्लैग नू लै के वह इतों आ के आपके सिरां दी गिनती वाली पॉलिटिक्स करन आ रहे तो नहीं बोल सकते, क्योंकि असी हजे किसानी दा ते मजदूरां दे शोषण हो रहे आ जो जां नवें कानून आए आ जिहड़े उन्हां दे खिलाफ लड़ रहे हैं ते पंजाब दी होंद दे लई लड़ रहे हैं। असी ये कह रहे हैं भी इह कल्ली इकनोमिक फाइट नहीं है, साड़ियाँ इकोनमी तक सीमित नहीं है, विचारधारक तौर पर भी साढ़े ते हमला होया। जिस तरह पंजाब धरती नाल जुड़िया होया, जिवें असी जुड़े हैं साड़ी धरती नाल, साड़े एहसास जुड़े आ, उस तरह हो सकता बाकी दे राज ना जुड़े होण। पंजाब दे मसले कुछ वक्खरे आ, पंजाब दी जिहड़ी साड़ी धरती नाल कह लो साडा रिलेशन आ, एक साडे संबंध आ, वह बहुत गूढ़े आ, साडियां रूहां च पई आ वह गल। सो इस लई पंजाब नूं जे समझना होवे तां पंजाब नूं बाकी राज्यां तों वख रख के ही समझिया जा सकता, साडे अहसास साडी कौमीयत वक्री आ। तुहानूं की लगता कि जो राजनीति पार्टियां हैगी ने अपना सही रोल निभा दियां ने, समय समय से आके रैलियां भी करदियां ने, लोगों नाल जोड़दियां आवें ने, हुण तां ट्रैक्टर रैलियां दा भी इक दौर चल पिया, कहिंदे जहाज़ तों ट्रैक्टर ते आ गए ने, तो सही बांह पकड़दियां ने जां किसानां दी सही गल रखदियां ने पार्टियां? देखो तुसीं पहली गल तां इस भाषा ही देख लो भी पंजाब दे विच एकता, मजदूरां च एकता, तो पंजाब नूं हथ पाउणा कोई सौखी गल नहीं, यह भाषा ही देख लो तुसीं। जदों तुसीं लोक भलाई दीआं गल्लां करनीआं, जदों लोक हित दीआं गल्लां करनीआं, फिर तुहाडी भाषा यह नहीं हुंदी, तुहाडी भाषा च सरलता, तहजीब, लियाकत, यह सारा कुछ आ जांदा। जदों तुसीं गलबे पाउणे आ आपदी सोच किसे ते, आपदी सोच नाल उह सारी कौम दबाउणी आ जां कोई साजिशां घड़नीआं, उदों इहो जी भाषा प्रगट हुंदी आ, इह लफ्ज़ आउंदे आ। सो इस करके जे तुसीं इहदा जवाब तुसीं आप ही देता, जे भाषा नूं ही आपां कंसीडर करांगे, उत्थों ही समझ आ जांदा भी इह पोलिटिकल पार्टियां चाहुंदियां की आ, इहनां दे मनसूबे की होणगे, ते असीं क्यों कह रहे हां साडी होंद दी लड़ाई आ। साडी होंद दी लड़ाई इस करके आ क्योंकि अज तक पंजाब हित, लोक हित जां लोकां दे हक्कां दी गल तां होई ही नहीं, किसी पार्टी ने भी नहीं की। सो इस करके हुण लोक लहर की हुंदी, अंदोलन की हुंदा, लोग खड़े होंदे आ जदों, हालांकि दो ही तरह चेंज आउंदी है ना समाज च, या तो थोड़ा राजा बहुत चंगा आ जे उत्तों वो चेंज आवे तो थलों तक वह चेंज आ सकती है, जे राजा नहीं चंगा तो फिर लोग अंदोलन शुरू कर लेंदे आ। ये दो जिहड़ी आम तौर पर आपां समझदे आ भी समाज के दो वर्तारे आ, जे समाज नू असीं चंगे पासे लैके जाणा या लोकां नू जदों लगता भी हुण इनफ इज़ इनफ, तो फिर लोक लहर पैदा करते, एक रेवोल्यूशन आता। क्या जाता कि विचार अलग अलग होने चाहिए ने, एक लोकतंत्र की लोगों की खूबसूरती होंगी कि विचार अलग अलग होने उन्नीस सुजैशन उन्नी चीज़ा निकल के आदि ने, तो भी अलग विचार ने। कल गायक गायक भी इकट्ठे हुए हैं, किसान जथेबंदियां भी कल इकती इकट्ठिया हुई किसान भवन के जिमें पहले गल की जिक्र किया कि विचार सब अलग अलग हो सकते हैं पर रस्ता एक ही है, फिर तुहाडे की विचार उन्होंने तो अलग ने? देखो गल मेरे विचार अलग की है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, मकसद साडा इक्को ही आ, असी किसानां वास्ते या मजदूरां वास्ते ही लड़ रहे हां। साडा इस टाइम प्रायोरिटाइज उन्हां नूं इस मुद्दे नूं ही कीता होया। हुण किसान जथेबंदियां ने भी उन्हां दा देखो ग्राउंड लैवल तक केडर बहुत वड्डा, ये सराहना करनी बनती है उन्हां दी भी, उन्होंने एक लामबंद जिहड़े लामबंदी जिड्डी वड्डी कीती आ, उह किसान जथेबंदियां तों बिना नहीं हो सकती सी, उस केडर तों बिना नहीं हो सकती सी, है ना। कल जिहड़ा फैसला लिया, न्योता आया सी सरकार वालों मिलन दा, वो एक कॉन्फ्रेंस करन दा, उहदे ते बहुत वधिया फैसला लिया किसान जथेबंदियां ने भी असी नहीं मिलन जाना, तो मैनू लगता बड़ी दृढ़ता नाल लड़ाई लड़ी जा रही आ, वख-वख मोर्चियां तो लड़ी जा रही आ, और इतिहास च हमेशा ही लड़ाई जदों असी लड़दे हां उदों वख-वख मोर्चियां तो ही लड़दे हां। सरकार तां चाहूगी भी एक पासे एक जगह ते आ जाण, उहनूं खदेड़ना साडे लई सौखा हो जाए, जदों असी वख-वख मोर्चियां ते बैठे होवांगे उहनां लई भी सेंटर पॉइंट एक नहीं आ, फिर तां अलग अलग सेंटर पॉइंट आ, तां उसे संघर्ष का हिस्सा असी हाँ जिहड़ियां किसान जथेबंदियां लड़ रही हां। हुण विचारां दा वखरेवा की आ, इह कोई बड़ी वड्डी इस टाइम गल करनी बनदी नहीं आ, क्योंकि साडा दुश्मन दिल्ली आ, दिल्ली नाल असी लड़ रहे हां, आपस च साडी विचारां दे वखरेवियां दे करके कोई दुश्मनी थोड़ी आ,
वो तो आपस च बैठ के असं हल कर लेंगे संवाद राही हल निकल आऊगा, तो कोई बड़ी वड्डी गल नहीं है। कि वाकई तुम खालिस्तान की कहीं कोई गलबात कही है कि सोशल मीडिया तुहाडे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई गई है? देखो गल मैं की करता, किसी भी समय किसी खिते च वख होण दी गल कदों आउंदी आ, असीं तां इक यूनियन च रह रहे हैं ना, जदों उस खिते दे लोकां नूं लगदा होवे भी साडे हक्कां नूं मारिया जा रहा, साडे ते जुल्म ते जबर किया जा रहा। एक घर च चार भरा रहिंदे आ, एक भरा उहनां च वख होण दी गल करदा, तीन भरावां दा की आ उहनां दा फर्ज़ बणदा या उस घर दा जिहड़ा हैड आ उहदा की फर्ज़ बणदा, उस भरा नाल जाके बैठे गलबात करे। अज जे सानू आपदे हक्कां दी असी गल कर रहे हैं, एक यूनियन च रह रहे हैं ना, यूनियन कदों क्रिएट हुई 1947 च, 1947 च बहुत छोटिया छोटिया बहुत कौमियत जिहड़ी उस वेले छोटे छोटे खित्तियां ने मिल के एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाई। उस यूनियन ऑफ इंडिया च हर खित्ते दे बंदियां ने उत्थों दे बाशिंदियां ने रूहां ने आपदा भरोसा जताया। अज जे वह भरोसा किसी भी खिते च टुटूगा है ना, तो वह खिते दे बंदे कहणगे जी सानू वख कर दो, तो यह तो सरकार का फर्ज बनता ना गल करनी। मैं कह रहा खालिस्तान की गल कह रहा, जे अज असी आपदे हक मंग लिए, हक मंगने कोई माड़ी गल है? जे हक नाम सानू संविधान इजाजत दे दिया, खाली संविधान च कितने लिखा खालिस्तान का शब्द बैन है, इजाजत हैगी है, पर एक पीसफुल तरीके इजाजत है। असी कदों दसो हथियार चक्की फिरते हैं? असी कदों कहा भी असी कोई वायलेंस नू प्रमोट कर रहे हैं? कर रहे हैं है ना, तो खालिस्तान वर्ड नू तुसीं आए ना वरतो भी उन्हों वायलेंस लई भी उहदे नाल उन्हों अटैच करो या उन्हों रेडिकल्स दे नाल अटैच करो है ना। खालिस्तान वर्ड ज तमिलनाडु च उन्हें वो आपदा जो मन लो कल मंगन लग गए, नागाज आपदा असैम चो आपदा मंगी जाते, कश्मीर वाले आपदा मंगी जाते, जे कोई आपदा मंग रहा किते ना किते तो गड़बड़ पई हो ना। असी वो गड़बड़ नू नहीं देखते, असी जड़ते नहीं जाते, असी कहते हैं अच्छा तुसी खालिस्तान कहा जी ला दो ठप्पा जी करो पाओ ये ते UAPA नहीं, दैट्स अ रोंग प्रैक्टिस। जे किते किसे इस यूनियन च कोई आपदे वख हक लैण दी गल करता उहनूं उस बंदे नाल गल करनी भी गुणा, असी आपदे हक मंगदे हाँ च ते हक मंगणे गुणा? मेरा हक यह है भी मैं आपदे हक मंग सकदा, जे सरकार नूं लगदा वह दे रही है तो गल कर ले आके, वह पूरे खेते की लीडरशिप नाल गल करनी चाहीदी है ना। सो आपां पूरी गल करते हैं, इस करके ये लफ्ज़ माड़े नहीं आ खालिस्तान, ये लफ्ज़ माड़े नहीं आ कोई होर आपदी वख की गल करता, माड़ा की आ सानू संवाद नहीं जदों असी करते या सरकार साढ़े कोले एहोजा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिंदी जिथे बैठ के संवाद हो सके, गलबात रही मसले सुलझ सकन। तुसी जे वॉयलेंस वाल धक्कोगे तो मुड़ के थोड़े कोल एड्डी वड्डी पावर आ उहदे थ्रू वह वॉयलेंस नू नप दोगे है ना, तो प्रोजैक्ट इस तरह कर दोगे भी देखो जे आ लफ्ज़ भी आया तो लफ्ज़ भी बहुत माड़ा, ये बहुत माड़ी गल है। तुसी पीसफुल बैठे हो कल पुलिस अगर डांगा मार दी फिर तुहाडा की रिएक्ट होगा? हुण साडे हाथ कुछ हैगा भी है नहीं, ये तो हुण तुसी स्टेट नूं पुछो है ना। असी तो आपदा जज्बा लैके आपदी दृढ़ता लैके बैठे हाँ, जे वह डांगा वराउणगे ये तो हुण स्टेट नूं पुछो क्यों वराउणगे, वराउणियां चाहीदियां भी कि नहीं, जे नहीं वराउणियां चाहीदियां वह भी स्टेट नूं तुसी सवाल करो। थोड़े कोले तां एक जर्नलिज्म एक लोकतंत्र का एक पिलर आ, बहुत वड्डी पावर आ, जे तुसी कट्ठे मिल के किते जबर जुल्म हो रहा उहदे खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। मान लो असी लड़ भी पए स्टेट नाल, किन्नी देर लड़ लांगे है ना। डांगा खाने वाले जज्बे नूं भी लैके बैठे हाँ असी आपदे अंदर, जदों तुसी इहो जिहे मोर्चे आरंभ करने हुंदे आ उत्थे तुहानूं बहुत तरह के परमुटेशन कॉम्बीनेशन नाल लैके चलने पैंदे आ, क्योंकि लगातार जिहड़ी सिचुएशन आ उह बदल रही आ, रियालिटी बदल रही आ। सो इस करके स्टेट नूं की करना चाहिए ये मैं किवें डिसाइड कर सकदा, ये तो स्टेट ही डिसाइड करे उन्हां नूं की करना चाहिए, पर सब तो वधिया गल यही होनी चाहिए आ भी स्टेट नूं संवाद करन वास्ते कोई मंच तैयार करना चाहिए, और समझन दी गल यही आ भी जदों तक स्टेट असल च लोक हित की गल नहीं करेगी
ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਆ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ 25 ਦਿਨ ਬੈਠਾਂਗੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਜੋ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਏ ਫਿਰ 25 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਬੈਠਾਂਗੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਲ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਹਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੂਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਦਿਉ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਉੱਭਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬੋਕਸ ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਦਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਸਭ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ